नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने अपना पदभार संभालते ही सबसे पहले जिले के थाना प्रभारियों, एसडीओपी एवं अतिरिक्त अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य थाना प्रभारियों के साथ संयुक्त बैठक कर अपराधों को लेकर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से परिचयात्मक भेंट कर बालाघाट जिले में अपनी प्राथमिकता एवं चुनौती को लेकर अपना पक्ष रखा और मीडिया के प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर दिए। नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कहा कि जिले में नक्सली समस्या एक चुनौती है, इसे आसपास के जिलों से समन्वय बनाकर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपराधों पर अंकुश लगाना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना और जनता और पुलिस के बीच संवाद निरंतर बना रहे, इसके लिए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जारी रखा जाना प्राथमिकता व उद्देश्य होगा। उन्होंने कहा, बालाघाट में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत अच्छा कार्य हुआ है। तत्कालीन एसपी अभिषेक तिवारी के समय में सामुदायिक पुलिसिंग में गांव-गांव जो कार्य हुए हैं उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। बालाघाट में नक्सल समस्या सबसे चुनौतीपूर्ण है, खासकर पिछले माह गढ़ चिरौली में हुए एनकाउंटर के बाद नक्सली मूवमेंट बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि विधिवत राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय बनाकर नक्सली पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। ये इनपुट है हमारे पास कि संख्याओं में वृद्धि, क्योंकि क्या है कि उधर से एनकाउंटर के बाद इस एरिया में कुछ मूवमेंट पड़ा है। सर, डिपार्टमेंटली भी कई बार भय का वातावरण हो जाता है, जैसे फॉरेस्ट विभाग हो गया या पीएचई का हो गया, जो निर्माण कार्य अवरुद्ध कर देते हैं, जिस तरह से भी मूवमेंट बढ़ गया था, तो ऐसे में भय मुक्त कैसे करेंगे, कैसे शासन की योजना? हम लोग अभी प्रयास इस पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिन सड़कों पर काम चलना है वहाँ पे हमने बता के रखा है कि आपको सुरक्षा मुहैया हॉक फोर्स कराएगी, जिला पुलिस कराएगी, और कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग, ठेकेदार को हम लोग बिल्कुल सुरक्षा का वातावरण देके उनसे, क्योंकि विकास के कार्यों को रुकने नहीं देना, तो प्रयास हमारा है कि सुरक्षा हम लोग पहले प्रदान करें और उसके बाद फिर विकास कार्यों में प्रगति लाए। अब ये अपील करूँगा मैं ठेकेदारों से भी, कॉन्ट्रैक्टर से भी और आम जनता से भी, कि बिल्कुल निर्भय होकर, निर्भीक होकर पुलिस का साथ दें और आपके एरिया का डेवलपमेंट। थाना क्षेत्र में जो नक्सलियों ने जो मूवमेंट करके रखा है जी, क्या कमी हो पाई क्या? मेरा तो प्रयास ये रहेगा, आप ये भविष्य की बात मैं नहीं बता सकता। भविष्य नहीं सर, जिस हिसाब से थाना क्षेत्र में मूवमेंट चल रहा है जी, आपको भी बताया कमी घटनाएं भी होगी, उन्होंने उसको घर भी बना लिया है, उसको निकाल पाना संभव नहीं मुझे लगता है पुलिस पर कर पाएगी। नहीं ऐसा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जाने की परमिशन तक अंदर नहीं जाने मिल रहा है। ऐसा नहीं, कई बार कोशिश भी आप लोग कर चुके हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, तो क्या ऐसे में तो घर बन के रह जाएगा? और गाना तो अदालत पैटर्न के हिसाब से हम लोग खबरों में जरूर उसको दबा के रखते हैं, क्योंकि पैटर्न को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसीलिए ऊपर यदि हम लोग करते हैं न्यूज से तो न्यूसेंस क्रिएट होगी, लेकिन जमीनी हकीकत आपको भी पता है और पुलिस फोर्स को भी चीज पता है, तो कर नहीं पाए, तो क्या उसके लिए कुछ अलग से कुछ प्लान आप बना रहे हैं? मैं अभी चूंकि मैंने कल ही गोइंग केस को मैं स्टडी करने दिए कि कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे इनका मूवमेंट बढ़ा है, और आप बता रहे हैं कि पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो एक बार मैं इसको भी वेट करता हूँ, फिर डायरेक्टर साहब से ही बात करेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि नक्सल उन्मूलन में हमें कोई रोकेगा कि भाई आप लोग उस एरिया में ना, ऐसा मुझे नहीं लगता, पर मुझे थोड़ा होमवर्क इसमें करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल का बेटर जवाब देगा। फॉरेस्ट भी शासकीय विभाग है ना, तो हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि फॉरेस्ट हमारे साथ रहे, और बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि वो होंगे, इसमें तो कोई संशय की बात नहीं।